हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुमझुम सिंह ब्लॉग। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया जाए, क्योंकि काफी दिन हो गया है कोई ब्लॉग नहीं आया है एंड सिर्फ शॉर्ट्स चल रहे हैं, प्रेगनेंसी के रिलेटेड वीडियोस चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग शूट किया जाए। और अभी अभी जस्ट मेरा ऑफिस का भी काम खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा इवनिंग से ही शुरू करते, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ रहता नहीं है खास, पूरा दिन तो ऑफिस में चला जाता है एंड देन जो भी शाम का टाइम रहता है, तो मैं सोचती हूँ उसी में ब्लॉग शूट किया जाए। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज बनने वाली है हमारे घर पे आलू के पराठे, खीर और सब्जी। सब्जी का कोई कंफर्म नहीं है, वो तो जब मेरे डैड आएंगे तो वही बताएंगे कि उनको सब्जी खानी है या नहीं खानी। अगर नहीं खानी है तो फिर सिर्फ पराठे और खीर बनेगी। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ब्लॉग शेयर किया जाए। और एक्चुअली मेरे फैमिली में ना लोगों को जो मैं खाना बनाती हूँ वो बहुत पसंद आता है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि तू ही बना दे, तो मैंने सोचा ठीक है चलेगा, कोई नहीं, जिस तरीके से मुझे आता है मैं बनाऊंगी। और इस ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग को पता ही है कि क्या करना है। और अभी जस्ट हम लोग का चाय वाय हो गया है, मम्मी आटा लगा देंगी और बाकी मैं स्टफिंग का जो है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। और खीर बन के ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं आगे की वीडियो, आप लोग को देखने में पता चल ही जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने आज ये ब्लैक कलर की कुर्ती डाली है और टाइम हो गया, मैंने बाल बना लिए, कुछ खास मुझे लग नहीं रहा था, बड़े मेसी से हो रखे हैं बाल, तो मैंने उसको थोड़ा सा क्लिप लगा के टाई अप कर लिया है। और सो चलते हैं किचन में, आप लोग देख सकते हो पीछे थोड़ा सा मैस हुआ है क्योंकि अभी सब लोग रेस्ट कर रहे थे, तो फिर अभी मेरा भाई जो है वो क्लीन करेगा। सो चलिए हम चलते किचन में। तो गाइज आ गई हूँ मैं किचन में, यहाँ पे जो भी स्टफिंग के लिए सामान लगने वाला है इंग्रेडिएंट्स वो मैं निकाल के इकट्ठे कर ले रही हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो गैस पे पतीला चढ़ा हुआ है, इसमें मम्मी ने खीर बनाने के लिए रख दिया है। और ये जो है ये मम्मी ने काफ़ी टाइम पहले ही रख दिया था एंड मम्मी ने बोला कि तू स्टफिंग का काम कर ले, बाकी जो भी है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैं ऑफिस से ही फ्री हुई थी। तो मैंने बोला कि पराठे बनाने में थोड़े टाइम लग जाएंगे, तो फिर मम्मी ने भी मेरी हेल्प कर दी। तो मम्मी ने खीर बना दिया और साइड बाय साइड आटे भी गूंद के रख दिए उन्होंने। एंड यहाँ पे मैं स्टफिंग्स तैयार कर रही हूँ और खीर में तो सारा कुछ डल चुका है, बस मैं उसको चला ले रही हूँ बीच बीच पे। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लहसुन और मिर्चे को पेस्ट कर लिया एंड ये रहे पोटैटोज़ जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया था। अब इसमें मैं सिर्फ इसको स्मैश करके अच्छे से इसमें कोरिएंडर धनिया पत्ता डालकर उसे रख दूँगी। थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने साइड में भी रखा है, बट मुझे ना ऐसा धनिया पत्ता यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है और जहाँ जहाँ मुझे जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती है ना मैं वहाँ पे भी डाल देती हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो यहाँ पे मम्मी साइड बाय साइड खीर को भी देख रही हूँ एंड मैं आलू को अच्छे से स्मैश कर ले रही हूँ। एक्चुअली मेरी जो नेल्स है ना वो थोड़ी बड़ी है, तो कुछ कुछ आलू जो है ना वो थोड़े से कड़क थे, जहाँ पर मुझे बहुत पेन सा भी हो रहा था। एंड यहाँ पर मैं अच्छे से स्मैश कर ले रही हूँ। एंड आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो। एंड प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग गार्निशिंग के लिए मैं ऐसी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब तैयारी कर दिया है, ये मैंने थोड़े से बाद में गार्निशिंग के लिए रखा है। और ये मैंने पीस लिया है लहसुन और मिर्ची, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। और ये है ऑयल, यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे गैस चढ़ा दिया है मैंने, उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम होने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पंचफोरन। मैं एक्चुअली थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा था तो मैं मम्मी से पूछ के ही डाल रही थी। एंड यहाँ पे लोग जो है ऑलमोस्ट सारे खाने में हींग का यूज़ करते, तो मैंने पंचफोरन डालने के बाद हींग डाल दिया थोड़ा सा। अब मैं उसको अच्छे से सौते कर लूँगी, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। मैं कड़ी पत्ता मैंने निकाल के रखा था बट मैं भूल गई डालना, वीडियो के चक्कर में कुछ याद रहता है कुछ याद नहीं रहता। अब बस इसमें मैंने जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन और मिर्ची की वो मैं डाल दे रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था क्योंकि मुझे ऐसा था कि पराठे स्पाइसी मतलब चटपटे हों तो अच्छे लगते हैं। सो मैंने यहाँ पर मैं अच्छे से डाल ले रही हूँ। मम्मी भी है साथ साथ में किचन में, हम बातें कर कर के हम अपने किचन के काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो ये स्टेज पे मेरा भाई आ गया, सो वो शूट कर रहा है।
अब जैसे ही मेरे मसाले थोड़े से पक गए, मसाले क्या जो लहसुन और मिर्ची थी वो थोड़े से पक गए, मैंने इसमें डाल दिया हल्दी। हल्दी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना होता है क्योंकि वो पोटैटो में जब अच्छा कलर देता है एंड टेस्ट तो देता ही है। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी ऑयल की कमी है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से पका लिया। मेरे भाई ने जैसे ही ये स्टफिंग तैयार हो गई, वो तो बस गोले बना बना के स्टफिंग सी खाए जा रहा था क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे उसको ये वीडियो शूट करना पसंद नहीं आ रहा था, साइड बाय साइड मुझे चिल्ला भी रहा था कि तुझे ये अकेले ही हैंडल करना चाहिए, बट स्टिल ठीक है, उसने मेरी मदद कर दी। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया पत्ता जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी पोटैटो, और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैं बंद कर दूँगी गैस को। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ सारे, नमक भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को बुला दिया इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊंचा ना तो मुझे जम नहीं रहा था। सो ये देखिए बन के तैयार हो गया एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है टेस्ट में भी एंड दिखने के लिए भी। तो गाइस मम्मी ने इसको मिक्स किया है क्योंकि मुझे जम नहीं रहा था मिक्स करने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा ऊंचा है ना तो मुझे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला मिक्स करने के लिए। सो उन्होंने मिक्स किया, ले मिक्स टेस्ट कि कैसा है। ऐसे तो ठीक ही होगा। नाइस, अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पराठे बनाने के लिए। तो मम्मी ने कहा कि मैं सेक दे रही हूँ, तू उसको भर के अच्छे से बेल दे। तो मैंने बोला ठीक है, बट ना मुझे ना भरना इतने अच्छे से आता नहीं है, बट पता नहीं क्यों आज ये काफ़ी अच्छे से मेरे से हो गए, पता नहीं शायद आई डोंट नो। तो यहाँ पे मैं भर ले रही हूँ एंड साथ ही साथ हम लोग ने खूब सारी बातें की, गपशप किए, और जैसे जैसे हम मैं और मम्मी बना रहे थे वैसे वैसे मेरे भाई और बहन दोनों लोग खा भी रहे थे, एंड वो लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। एंड सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो यहाँ पे मैं बेल ले रही हूँ, मम्मी ने सेक लिया था अच्छे से पराठे को। तो फाइनली मैं आ गई हूँ बेडरूम में, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं डिनर करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा थक गई हूँ। और पराठे बने हैं, खीर बने हैं, तो सिर्फ मैं और मम्मी ही बाकी है खाने के लिए, बाकी सब ने तो लगे हाथ ही खा लिया। फिर मैंने मम्मी को बोला मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद खाऊंगी, तो मैं अभी जा रही थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।